चैप्टर जीरो। सुबह के 10 बजे, मौसम साफ, दूर पहाड़ी में बर्फ दिख रही है। ऑल्टीट्यूड चेक 11,800 के आसपास दिखा रहा है, तो 11,500 फीट के आसपास की ऑल्टीट्यूड चेक है यहाँ की। टोटल डिस्टेंस आज मेरे ख्याल से 200 किलोमीटर के आसपास हमें कवर करना है। रोड अच्छे हैं, बहुत बढ़िया रोड है आगे। सबसे पहले आज हमें पेट्रोल भरवाना है, क्योंकि पेट्रोल काफ़ी कम हो चुका है गाड़ी में। पीछे देख रहे थे पर हमको एटीएम नहीं मिल पाया, तो वी विल ट्राई टू गो इनसाइड दिस आर्मी कैंप। इसके अंदर एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे शायद एटीएम हमें मिले और वहाँ से हम पैसे विड्रॉ करवाएं आगे, बिकॉज एटीएम नहीं मिलेगा हमें। पूरे रास्ते एक दो जगह एटीएम होंगे भी पर वो काम नहीं करते हैं जनरली, तो इसलिए यहाँ से हम पैसे निकालने की कोशिश करेंगे। एटीएम तो यहाँ से अगर आप लेह से कारगिल जा रहे हैं और आपके पास पैसे नहीं है, तो यहाँ पे आएंगे तो आपको 95% टाइम्स पैसे मिल जाते हैं, तो एक अच्छी बात फौजी एरियाज की। और लेफ्ट साइड दिस इज हॉल ऑफ फेम, और हॉल ऑफ फेम के एकदम पीछे जो आप देख रहे हैं एक मॉनेस्ट्री टाइप, दैट इज़ काली माता मंदिर। वहाँ पे जितनी भी मूर्तियाँ हैं सभी के फेस कवर्ड हैं, और एक पर्टिकुलर टाइम पे ही उनके फेस से वो कवर हटाया जाता है। वो बोलते हैं कि काली अगर किसी को देख लेगी तो मतलब ऐसा कुछ मानना हो जाए उनका, इसलिए शायद उसका हमेशा फेस कवर रहता है। ये है अंदर हॉल ऑफ फेम, कुछ नॉमिनल सा टिकट है अंदर जाने का, 15-20-25-30 मैक्सिमम इतना ही होगा। और सी और मतलब यहाँ पे दिखाते हैं कि जो हमारी बैटल ऑफ कारगिल, वॉर ऑफ कारगिल वॉर हुई थी 1999 में, हाउ वाज दैट वॉन एंड हाउ वाज दैट फॉट एंड अल्टीमेटली वी वन दैट बैटल। बहुत ही अच्छा सा व्यू मिल रहा है यहाँ पे, टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ जो सामने पहाड़ है उनका। और ये जब सर्दियाँ होती हैं तो ये पूल जम जाता है, और यहाँ पे आइस हॉकी के मैचेस भी कराए जाते हैं। लेह लद्दाख में आइस हॉकी इज़ वेरी फेमस, आपको हर बंदा एक आइस हॉकी स्टिक के साथ सर्दियों में आइस हॉकी खेलता नज़र आ जाएगा, सभी को खेलना आता है यहाँ पर आइस हॉकी, आइस स्केटिंग, आइस हॉकी। और लेफ्ट साइड में हमारे जो है ये है रिवर इंडस, एकदम रोड के बगल से बह रही है। मोस्टली सभी ने एक मूवी है जिसका नाम है 3 इडियट्स, वो सबने देखी होगी, और उसमें आपको जो आमिर खान ने कैरेक्टर प्ले किया था फुनफुक मांगड़ू का, तो रियल लाइफ फुनफुक मांगड़ू नाम उनका मैं भूल चुका हूँ, वो लेह से ही बिलोंग करते हैं। ही इज़ अ वेरी जेंटलमैन, आई वंस लास्ट टाइम ट्राई टू मीट हिम बट वो अवेलेबल नहीं थे,
ये जो नीचे रोड जा रहा है ये फे विलेज का रोड है, PHEY, और आगे से भी एक रोड है जो फे विलेज के लिए जाता है। विलेज में दिस जेंटलमैन इज मेड अ वेरी फाइन सिस्टम ऑफ स्कूलिंग, जिसमें थोड़ी बहुत मतलब लद्दाखी बच्चों को पढ़ाते हैं, और एक नया सिस्टम ऑफ एजुकेशन विच इज़ बेस्ड ऑन टोटल एक्सपेरिमेंटेशन डेवलप्ड दैट सिस्टम। दिस पर्टिकुलर स्कूल इज़ ओनली ओपन फॉर लद्दाखी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे लद्दाखी आते हैं, लद्दाखी बच्चे आते हैं और यहाँ पे अपना पढ़ाई भी करते हैं और एक्सपेरिमेंटेशन से करते हैं और अपना स्कूल भी खुद ही चलाते हैं। इट्स कम्प्लीटली सेल्फ हेल्प स्कूल, खाना खुद पकाना, सफाई खुद करना, काउ शेड्स हैं वहाँ पे, काउ शेड्स को मेंटेन खुद करना और सब्जियाँ खुद उगाना जहाँ जिस हद तक हो सके, एवरीथिंग फ्रॉम ए टू जी द पीपल इन द स्कूल देमसेल्फ अंडर द गाइडेंस ऑफ मिस्टर, नाम मैं आपको आगे बताता हूँ क्या नाम है उनका, जर्मनी से या यूएस से या ब्रिटेन से टीचर्स हैव बीन कमिंग इन द स्कूल एंड टीचिंग टू द स्टूडेंट्स। People are volunteering from places like Mumbai, Delhi. They come and stay here and teach the children. So, अगर आपको कभी मौका मिले ले आके इस स्कूल में जाने का तो फे में स्कूल है, जुले बोल दिए गए हमको, तो ये चाची का ढाबा लोकल चाची का ढाबा है, चाय अच्छी बनाती है, कई बार रुक के पिए मैंने यहाँ पे, तो आज भी हम चाय पियेंगे इनकी। तो फे विलेज सेकमॉल इज़ द नाम ऑफ दैट स्कूल, SECMOL, दैट इज़ द रास्ता ऑफ दैट सेकमॉल विलेज। आंटी यूनिवर्सिटी कैंपस है यहाँ पे, आई थिंक लेह लद्दाख यूनिवर्सिटी का एक छोटा सा कैंपस। तो ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं सामने, बड़े बड़े पहाड़, अगर आप जैसे किसी ने ट्यूबलाइट मूवी देखी है तो उसका काफ़ी हद तक उसकी शूटिंग इन्हीं पहाड़ों में हुई है, यही एरिया है जहाँ पे शूटिंग हुई है। मेरे को इसलिए पता है कि मैंने थोड़ा बहुत उसका शूटिंग होते हुए देखा था, और उस टाइम पे जब मैं देखा था तो वो अपना पत्थर साहिब जो गुरुद्वारा है उसके पीछे उसकी शूटिंग चल रही थी। तो ये है ATVs अभी भी राइड की चल रही है, और इसके आगे आता है पत्थर साहिब गुरुद्वारा, जय बाबा जी की, गुरुद्वारा जी श्री पत्थर साहिब, जय बाबा जी की, जय बाबा। ये है पत्थर साहिब गुरुद्वारा, प्राउडली मेंटेन बाय इंडियन आर्मी। और ये हम मैग्नेटिक हिल के एरिया में आ गए हैं, और ये जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो, मतलब हाफ लेफ्ट इस साइड में जो देख रहे हो, दैट इज़ द मैग्नेटिक हिल, इसमें शायद लिखा भी है मैग्नेटिक हिल, और ATV के जो ट्रैक बने हुए हैं यहाँ पे लोग गाड़ी चलाते हैं, ATV चलाते हैं अपनी, वो हल्का हल्का सा लिखा हुआ है मैग्नेटिक हिल। अच्छा, बीच में एक छोटा सा ढाबा है यहाँ पे, अभी लोग बहुत कम है, और एक ढाबा बन भी रहा है यहाँ पे, तो अगले सीज़न में जब आप आओगे तो आपको ढाबा दिख जाएगा। ये है एक मैग्नेटिक हिल, और यहाँ पे बोलते हैं कि अगर अपनी गाड़ी खड़ी करो तो इट मूव्स इन द अप स्लोप, अगर ये मतलब अब ये जहाँ पे आप जा रहे हो सारा डाउन स्लोप, तो अप स्लोप तो मुझे दिखता नहीं है। ये जो दो तीन लाइंस खींची गई ATVs भी यहाँ पे हैं, इन लाइंस पे आप खड़ा करो तो आगे गाड़ी खुद ही चल पड़ती है, तो हाई डाउन स्लोप यार, तो गाड़ी तो छिलेगी। तो यहाँ पे ATV राइड भी है, और यहाँ पे नया ढाबा बन रहा है एक,
तो आप जो लेफ्ट साइड से देख रहे हैं ये इंडस रिवर है, एकदम साफ पानी इसका, हरे रंग का पानी। और आगे से एक और वैली है, वहाँ से जांस्कार रिवर आती है और उसी रिवर पे आपका चादर ट्रैक भी होता है। और ये आपको मैं आगे से दिखाता हूँ, संगम भी आ गया, ये बस थोड़ी आगे ही संगम आ चुके हैं हम। तो दिस रोड इज एक्चुअली गोइंग टू नीमू, आगे से थोड़ा सा आप लेफ्ट टर्न ले लो तो संगम के लिए चल जाता है, और उसके आगे चल जाएंगे तो चिलिंग आ जाता है जहाँ तक रोड बना है अभी तक। और चिलिंग से ही थोड़ा पहले आता है आपका जांस्कार वाला जो चादर ट्रैक है, ये है व्यू पॉइंट। Enjoy the beauty of the hill station. Viewing point थोड़ा ऊपर जाके, तो हम ऊपर तो नहीं चलेंगे, यहीं से जाके थोड़ा सा मनोरंजन कर लेंगे अपना। तो ये ऊपर है व्यू पॉइंट, और नीचे अगर हम जाएंगे तो हमको द कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स दिखेगा। तो ये वहाँ पे राफ्टिंग पॉइंट है, राफ्टिंग कुछ हो नहीं रही मेरे ख्याल से, राफ्टिंग शायद बंद हो गया फिर, अभी टाइम ज़्यादा हो गया इसलिए। ये जो यहाँ से आ रही है दिस इज़ इंडस, आगे जाके ये इंडस ही है, और जो सामने से आ रही है दैट इज़ जांस्कार रिवर। और आप क्लियर एक देख सकते हैं लाइन है पानी की, दोनों पानियों का कलर अलग है, ये थोड़ा वो मेहंदी कलर का पानी है और ये ग्रीन कलर का पानी है। तो दिस इज कन्फ्लुएंस, अभी पानी काफ़ी कम हो गया बिकॉज मोस्टली सारी बर्फ़ पिघल चुकी है, जब बर्फ़ होती है तो काफ़ी पानी का लेवल ज़्यादा होता है। और यही रोड आगे चल जाता है जो आप देख रहे हैं चिलिंग के लिए, और वहीं पे आपका चादर ट्रैक भी है। नींबू 3 किलोमीटर है यहाँ से, और ये जो आगे से डाइसेक्शन है लेफ्ट साइड चिलिंग जा रहा है टू द कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर, सीधे चल जाता है नीमू के लिए। और इसी रोड के लेफ्ट साइड में आपको काफ़ी सारे हब्स दिख जाते हैं जो आपको राफ्टिंग भी करवाते हैं। राइट इज लिकिर मोनेस्ट्री, लिकिर है यहाँ पे, लिकिर ऑल्सो वन ऑफ काफ़ी अच्छी सुंदर मोनेस्ट्री है, 5 किलोमीटर आगे यहाँ से, और लिकिर के बाद अलची मोनेस्ट्री आती है। तो अलची मोनेस्ट्री इज ऑल्सो सिमिलर, समवट सिमिलर टू ताबू मोनेस्ट्री, जो कि एकदम वुडन मोनेस्ट्री है, बहुत पुरानी बिल्डिंग है, 1000 साल के आसपास की बिल्डिंग है अलची की। अभी हम आ गए हैं सासुपोल, सासुपोल तकरीबन 60 किलोमीटर आगे ले से, और यहाँ पे काफ़ी सारे गेस्ट रूम्स भी आपको मिल जाएंगे, होटल्स भी मिल जाएंगे, लग्जरी रिजॉर्ट्स भी मिल जाएंगे, बिकॉज सासुपोल इंडस के बिल्कुल बगल में है, तो यहाँ से इंडस का व्यू काफ़ी अच्छा मिलता है। और ये आ गई हमारी इंडस अपने हरे रंग के पानी के साथ, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही चौड़ी, बहुत ही बड़ी और बहुत ही वायलेंट, बहुत गहरी भी है यहाँ पर। तो ये वही नदी है जिसके ऊपर इंडस वाटर ट्रीटी हुई है, और इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में दिस इज़ वन ऑफ द कॉज ऑफ इश्यूज। नूडला 16 किलोमीटर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं टेरेन काफ़ी खूबसूरत हो चुकी है, लाल पहाड़ फिर से मार्शियन टेरेन यहाँ पे आ चुकी है, इट लुक्स लाइक अगेन वी हैव एंटर्ड मार्स। नामिकला जब हम चढ़ेंगे तो उस टाइम पे थोड़ी ख़राब रोड आए, बट तब तक रोड ठीक ही रहेगी, और उसके आगे थोड़े थोड़े पैचेस जो ख़राब होंगे, अदरवाइज रोड इज़ गुड। बेसिकली दिस इज़ नेशनल हाईवे 1, तो अब नंबर 1 हाईवे एक देश का, कंट्री का, तो उसको अच्छा तो होना ही है भाई। तो इस वक्त हैं हम नूरला में, नूरला में भी कई सारे ऑप्शन है रुकने के, लेफ्ट साइड में इंडस एकदम बगल से बहती है इसलिए, और ऊंचे ऊंचे पहाड़ दोनों साइड, तो यहाँ पे कई सारे होम स्टे और होटल्स रिजॉर्ट, एक यहाँ पे देखा मैंने अच्छा सा द एप्रिकॉट ट्री रिजॉर्ट,
फार यॉर्क रिजॉर्ट ऐसा भी कुछ था कि कारगिल से एरिया में एक वो है दा विलेज विच इज कंसिडर्ड द प्योरेस्ट आर्यन विलेज द ओल्डेस्ट प्योरेस्ट आर्यन विलेज दा विलेज DAH। तो अगर आप वहाँ पे जाना चाहें तो आप खलसी से डायरेक्ट रूट भी ले सकते हैं बटालिक का, वो बटालिक में पड़ता है। मैक्सिमम लोग ऐसे ही करते हैं कि कारगिल जाते हैं और कारगिल से दे टेक द रूट टू बटालिक, बट यू कैन डायरेक्टली गो टू बटालिक, स्टे पुट एट बटालिक, होम स्टेज मिल जाएंगे आपको वहाँ पे, और बटालिक में रहने के बाद देन यू कैन रीच कारगिल एंड देन फर्दर गो टू द्रास और आगे जो भी आपका प्लान हो। ये है द पेट्रोल पंप, द खलसी का पेट्रोल पंप। Where do we have our lunch in Khalsai? Khalsi ka height altitude check is 10,500 feet. Le se thoda niche. Aur yahan pe hum dekh rahe hain ki koi hame dhaba dhuba dikh jaye jahan pe hum apna khana khad le. Aur khana khane ke baad hum apna aage safar shuru karega. Par hame koi dhaba dhuba dikhta nahi hai yahan pe. Bahut hi abad bhi kaam hai yahan ki aur yahan pe ek medical health care center bhi hai. और केमिस्ट भी है और बड़ा कुछ है, बट ढाबा क्यों नहीं है? तो ढाबा एक ब्रिज आएगा आगे, उसके आगे काफ़ी ढाबे हैं, तो वहीं पे हमने हॉल्ट करना है। तो ये रेजिडेंशियल एरिया आप समझ सकते हैं और उस ब्रिज के बाद में मार्केट एरिया आ जाएगा। तो दिस इज़ द ब्रिज आई वाज टॉकिंग अबाउट मैन। खलसी तेज, खलसी में छोटा सा लंच ब्रेक और फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो देखें ना मुझे ऐसे बात करते हुए अपने आप से, तो मैं ऐसे बात करूँगा कि जैसे कि मैं फ़ोन पे बात कर रहा हूँ। टाइम हुआ है अभी 1:30 बज गया तो यहाँ से 3-4 घंटे लगेंगे और कारगिल पहुँचेंगे। हाँ जी,
एल्टीट्यूड चेक इज 13,350 फीट, और यहाँ पे दो तीन मोड क्रॉस करने के बाद हमें मिलेगा फुटला पास। और ये आप देख सकते हैं ट्रक बस बाल बाल बचा है नीचे उतरने से। ये दोनों कुछ तो यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है मेरे ख्याल से, रात को कुछ गदर हो गया। यहाँ से बच के निकलना चाहिए क्योंकि कांच होगा। बी सेफ मैन, ड्राइव सेफ। और हम आ चुके हैं एक पास में जिसका नाम फोर्टूला पास है, और ये सामने आपके है फोर्टूला पास। ये एक पहाड़ी है, दूसरा पहाड़ी है, बीच में से ये रास्ता निकलता हुआ। लोग वहाँ रुके हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, पर ऐसे कुछ खास नहीं है। हमने टांगलांगला देख लिया, खरदुंगला देख लिया, तो ये तो छोटू सा पास है, कोई इसमें रुकने की कोई ज़रूरत आवश्यकता है नहीं हमें, तो हम आगे बढ़ेंगे। कनाडा का झंडा लेके ट्रक नीदारी कसम उड़ान झंडे की। ये सामने बहुत ही मनमोहित कर देने वाला एक दृश्य, बहुत ही खूबसूरत पहाड़ है जिसमें कारगिल में। बाकी सब ऊपर वाले की मेहर, अब देख सब ठीक है, आगे भी सब ठीक होगा। आपको मैं अभी कारगिल मार्केट दिखाऊंगा और वहां से फिर हम आगे बढ़ेंगे। अ सरप्राइज फॉर यू, वी जस्ट शॉर्टली डिस्क्लोज़।